आए भी नहीं, क्योंकि उनका यही कहना था कि माइनॉरिटीज़ इस वक्त बहुत इनसिक्योर फील कर रही हैं। डॉक्टर यूनुस ने हालांकि कहा है कि माइनॉरिटीज़ को सिक्योर फील कराना हमारी जिम्मेदारी है, पर फिलहाल चीज़ें जो है वो काबू में आ नहीं रही। तो मुझे लगता है भारत के लिए सबसे पहले तो जो इमीडिएट मसला है वो यही है कि किस तरह से जो माइनॉरिटीज़ बांग्लादेश में हैं, या पूरा जो वायलेंस है उस पर इमीडिएटली कंट्रोल होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये एक तासुर दिया जा रहा है नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, इंडिया के अंदर भी लोग ये बात कर रहे हैं कि भारत ने इमीडिएटली बांग्लादेश को एक कम्युनल लेंस से देखना शुरू कर दिया, हिंदू मुस्लिम लेंस से देखना शुरू कर दिया। उसकी बात ये है कि लोग तो वहां पे मुसलमान भी मारे जा रहे हैं, ठीक है, ये तो नहीं, वो 200-300 बंदा मारा गया वो सारे हिंदू तो नहीं है, डेफिनेटली वो मुसलमान है उसमें से मेजोरिटी, लेकिन डेफिनेटली इस तरह के वायलेंस में जहाँ पे स्टूडेंट्स को खुद मेरा ख्याल है तमीज नहीं आया है, वो किसी वो जिस पे मर्जी चढ़ाई कर देते हैं, जिसका मर्जी घर जला देते हैं, जिसकी मर्जी गाड़ी जला देते हैं, तो इसको इमिडिएटली अगर आप इस लेंस से लेके चले जाएं और एक स्टेट लेवल पे और मीडिया लेवल पे ये शुरू कर दिया जाए, तो इजंट इट इंडिया प्रेशराइजिंग बांग्लादेश कि भाई आप हमें जो है आप हमें ये हमारे जो इंटरेस्ट है उसको कैटर करें। पहली बात तो यह है कि मैंने खुद अपने इस चैनल पे इंडिया बांग्लादेश की जो 10% माइनॉरिटीज में जो 8% हिंदू है, मैंने खुद उसके ऊपर प्रॉपर शोज किए हैं, मैंने खुद किए हैं, लेकिन जस्ट जो तासुर इमेज हो रहा है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि इंडिया बेसिकली इज यूजिंग इट एज ए टूल टू प्रेशराइज बांग्लादेश टू कम ऑन अ नेगोशिएटिंग टेबल, के पहले ही उनको अंडर प्रेशर कर लो, जबकि बाकी तो सैकड़ों मुसलमान भी वहां पे मारे जा रहे हैं। कमर, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ऐसा नहीं कि केवल माइनॉरिटीज़ ही वहाँ मतलब उनको उतना मुसीबत है या उनको किसी तरह की जानो माल का ख़तरा है, बहुत लोगों को ख़तरा है। पर आप देखें कि जैसे कहीं किसी देश में मान लो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ पर कोई ख़तरा आता है, तो बड़े मुस्लिम देशों से हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ करें या कुछ कहें उसके बारे में, और वो जो मुस्लिम वहाँ परेशानी में होते हैं वो भी उम्मीद करते हैं बड़े मुस्लिम देशों से कि वो कुछ उनकी बात सामने लाएं, उनको सेफ रखना कैसे है इसके बारे में सोचें। तो भारत में आप देखें कि 80% से ज़्यादा हिंदू मानते हैं लोग अपने आप को, और दुनिया में नेपाल में दूसरे नंबर पे हिंदू रहते हैं और बांग्लादेश में तीसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदूज की है। तो जाहिर है कि उनकी एक उम्मीद भी होती है कि भारत जो सबसे बड़ा देश है जिस जहाँ हिंदू पॉपुलेशन है, वो देश कुछ कहे इसको लेकर, कुछ सोचे उनके बारे में। और खासकर तब जब लगातार खासकर हिंदुओं पर कुछ ना कुछ मुसीबत बांग्लादेश में हमेशा से रही है। तो 1901 में आपको तो पता ही है जब सबसे पहले सेंसस हुआ था तो करीब 34% इस पूरे एरिया में हिंदूज थे, और जब फिर बांग्लादेश आज़ाद हुआ 71 में, तो उसके बाद 3 साल बाद 1974 में सेंसस वहाँ हुआ तो करीब 14% हिंदू उस वक्त थे, आज वो 7% से भी कम है। तो एक तो मोटे तौर पे या तो वो मारे गए हैं या कन्वर्ट हो गए हैं या देश छोड़ के भाग गए हैं, तो जो माइनॉरिटी है उसमें हिंदुओं की एक उम्मीद होती है कि भारत कुछ उसमें बात कहेगा। हालांकि भारत ने हिंदुओं की बात के साथ साथ माइनॉरिटीज़ की बात की है कि माइनॉरिटीज़ का भी ध्यान रखना होगा, तो इसलिए जाहिर है कि हिंसा तो खत्म होना चाहिए, हिंदुस्तान ने कहा, भारत ने कहा कि हिंसा खत्म होना चाहिए, और जनरल माइनॉरिटीज़ की बात की, वो चाहे क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो या दूसरे माइनॉरिटी हो, सबको सुरक्षा सिक्योरिटी ने मुहैया कराने की जो जिम्मेदारी है अंतरिम सरकार की, वर्किंग जो गवर्नमेंट इस वक्त है, वो उस तरफ भारत ने इशारा किया। प्रेशर बनाने की मुझे लगता है कोई बात इसमें नहीं है, क्योंकि भारत ने तो कहा कि जो भी सरकार है उसके साथ हम मिलकर काम करना चाहेंगे, और बांग्लादेश कोई कमज़ोर या छोटा देश नहीं है, बांग्लादेश दक्षिण एशिया में एक बहुत बड़ा देश है, और ख़ासकर उसका जैसे इकोनॉमिक मॉडल सामने आया था, इतनी तरक्की हुई वहाँ, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि प्रेशर की कोई इतना तकनीक सोचेगा भी भारत, वो बड़ी काउंटर प्रोडक्टिव तकनीक होगी, खासकर जब आप देखते हैं कि शेख हसीना इस वक्त भारत में है, वो अपने आप एक नाराज़गी का वजह है,
कुछ लोगों को बांग्लादेश में, तो इस वक्त प्रेशर टैक्टिक्स का तो कोई सोचेगा ही नहीं, बल्कि दोस्ती से तालमेल कैसे आगे बढ़ाना है और जितनी हिस्सेदारी बनी हुई है, साझेदारी बनी हुई है, उसको फिर से वापस पटरी पर लाना है और उसको आगे बढ़ाना है, ताकि बांग्लादेश को भी फायदा हो, भारत को भी फायदा। इसी में कि यदि बांग्लादेश में सिक्योरिटी स्टेबिलिटी रहती है, प्रोग्रेस होती है, तो नेचुरली जब बांग्लादेश में प्रोग्रेस हो रही थी तो भारत से दर्जनों कंपनियां जाकर वहाँ इन्वेस्ट कर रही थी, वहाँ सामान बेच रही थी, जो ट्रेड है वो बढ़ा पिछले कुछ सालों में भारत बांग्लादेश का। तो मुझे लगता है कि हाँ, हिंदुओं की वहाँ से थोड़ी सी उम्मीद होती है कि भारत कुछ कहे, पर भारत ने बहुत ही मेजर्ड एक तरह से रिस्पॉन्स दिया, जिसमें माइनॉरिटीज़ की बात की और साथ में मिलकर बात करने, मिलकर चीज़ों को सुलझाने की भी बात की है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बात से मैं आपसे एग्री करता हूँ कि हिंदू बेशक बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान के अंदर हो, उनकी तादाद कम हुई है, जो जो हकीकत है जिसको मानना भी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों की जो मुस्लिम मेजोरिटी है उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है अपनी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जिसमें उनको ये ना महसूस हो कि यहाँ पे उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती की जाएगी या उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाएगा। ये मेरा ख्याल है हुकूमतों की जिम्मेदारी है, भले बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क जहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम हो। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं कि ये जो तब्दीली आई है बांग्लादेश के अंदर, क्या ये एक इंडिजिनस इंटरनल तब्दीली है या क्या आपको लगता है कि ये इंजीनियर्ड है? फॉर एग्जाम्पल, शेख हसीना वाजिद के बेटे कहते हैं कि जी ISI ने किया, किसी ने कहा चीन ने किया, एक तासुर इंडिया के अंदर ये भी मैंने, क्योंकि इंडिया को हम बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, इंडिया इज अ पावर हाउस, देखें पूरे खित्ते में जो कुछ होना है आपने पहले इंडिया में देखना, इंडिया में क्या कहा जा रहा है, ठीक है? तो इंडिया में ये कहा जा रहा है कि ये CIA का एजेंट है कई लोगों ने। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पे देख रहे तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पर हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो, या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है ये वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करें, आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें